हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे मैं मनीष स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम जेस्ट में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और उसकी आंसर की जो है आ चुकी है लेकिन एस एस सी का टीयर फर्स्ट का रिजल्ट कब आएगा मेन्स डेट कब होगी और जो कट ऑफ का नोटिस है ऑफिशियल वो कब तक आ जाएगा लिंक एक्टिव कब होगा रिज़ल्ट का ये कैंडिडेट के बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आज इस वीडियो में सारे सवाल आपके कवर करने वाला हूं। अगर आप चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए तो जैसा कि अभी कल या परसों में ही जो है एसएससी ने अपना फेज़ नाइन का जो है रिज़ल्ट अनाउंस किया है फेज नाइन का रिजल्ट अनाउंस किया है तो आशा की जा रही है कि जो सेकंड वीक ऑफ जुलाई होगा आपका उसके अंदर जो आपका एसएससी सीजीएल का टीयर फर्स्ट का रिजल्ट होगा वो जारी कर दिया जाएगा और उसी के साथ आपका मेंस की डेट भी जो है अनाउंस कर दी जाएगी ऑफिशियल कट ऑफ का नोटिस भी सेम ही आएगा उसी दिन आएगा आपका सब कुछ पता चल जाएगा आपको और अगर मैं बात करता हूँ कट ऑफ़ आपकी कितनी जा सकती है तो मैंने कट ऑफ के जो रिलेटेड है वो वीडियो पहले भी बनाई थी तो मैंने उसके अंदर कट ऑफ नहीं कट ऑफ रेंज बताई थी क्योंकि कट ऑफ़ बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है इसलिए मैंने कट ऑफ रेंज बताई थी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ जैसे कि मैं कभी भी कट ऑफ़ नहीं बताता कट ऑफ रेंज बताता हूँ यानी कि इस रेंज में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे जैसे कि अगर मैंने यू आर के लिए जो सेफ कट ऑफ रेंज बताई थी अगर आपके 120 प्लस मार्क्स हैं तो आप टी एड टू के लिए क्वालिफाई सॉरी 125 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप टी एड टू के लिए जा सकते हैं वहीं अगर ओ बी सी की बात करता हूं, तो आपके अगर 115 प्लस मार्क्स रो मार्क्स हैं तो आप इजीली जो है टी एड टू के लिए चले जाएंगे और वहीं अगर ई डब्ल्यू एस की अगर मैं बात करता हूं तो ओ बी सी के लगभग ही इनका भी रहता है थोड़ा कम मान लीजिए एक दो नंबर बाकी एस सी के अंदर आपके अगर रो मार्क्स नाइन्टी फाइव से सो यानी कि नाइन्टी फाइव प्लस हैं या फिर हंड्रेड प्लस हैं तो आप इजीली मान सकते हैं कि आपको टी एड टू के लिए चांस मिल जाएगा इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए एस का वहीं थोड़ा सा एस से कम होता है तो इनका मान लीजिए नाइन्टी प्लस आप टी एयर टू के लिए आपको चांस मिल जाएगा अगर रिजल्ट में अभी जो रिज़ल्ट आपका आएगा वो नॉर्मलाइज होकर आएगा और ये आपके अगर रो मार्क्स हैं इतने जितना मैंने रेंज बताया है उतने अगर आपके रो मार्क्स हैं तो आप इजीली जो है इजीली जो है टी फर्स्ट को क्वालिफाई टीयर फर्स्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपकी आपका मेंस एग्ज़ाम क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम है, वो एक दिन के अंदर ही आपके दो एग्ज़ाम जो हैं कंडक्ट कराए जाते हैं इसमें अंदर एक क्वांट का होता है मैथ का और एक इंग्लिश का होता है तो उसके लिए जो कैंडिडेट को प्रिपरेशन करनी होती है वो काफ़ी ज़्यादा करनी होती है तो मैं आपको पहले ही बता कि मेन्स के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा वन मंथ आप मानकर चल सकते हैं उससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो टीयर फर्स्ट के रिज़ल्ट में डिले हो रहा है आप यही टाइम मान लीजिए अपने मेंस के लिए अगर आप मेंस के लिए चाहेंगे अलग से आपको दो तीन महीने मिल जाएं तो इस बार वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जो रिज़ल्ट है टीयर फर्स्ट का वो काफ़ी डिले हो चुका है इसलिए आपको जो है मेंस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा अगर आप मानकर चल रहे हैं कि टीयर फर्स्ट के बाद आपको तीन महीने या चार महीने मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो टीयर फर्स्ट का रिजल्ट जो है कब आएगा और मेंस की डेट आपकी क्या रह सकती है और कितना टाइम आपको मिलेगा लिंक एक्टिव वगैरह जो होंगे वो आपको नेक्स्ट वीक के अंदर यानी कि मंडे से सैटरडे के बीच में आपको कभी भी रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर नेक्स्ट कोई अपडेट आती है एसएससी से अपडेटेड रेलवे से अपडेटेड बैंक से अपडेटेड तो मैं सभी पे वीडियो बनाता हूँ अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट से आप अगर हैं जैसे बैंक के अगर आप एग्जाम देते हैं एस के देते हैं रेलवेज के देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैं इस चैनल पर सारी ही आपको अपडेट जो है नोटिफिकेशन जो है न्यू वैकेंसी जो है न्यू रिक्रूटमेंट जो है सारी चीज़ों की डिटेल आपको बताता हूँ तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद